खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहावत है कि दुनिया गोल है, निगम में भ्रष्टाचार की दुनिया भी ऐसी ही गोल नजर आ रही है, क्योंकि निगम की निलंबित मेयर सौम्या ने जिस बीवीजी कंपनी के जरिए आयुक्त पर आरोप लगाए थे और कहा था कि आयुक्त जेब भरने का काम करने में लगे हैं, उसी बीवीजी कंपनी के एक कर्मचारी के साथ सौम्या के पति राजाराम गुर्जर का वीडियो वायरल होता है, जिसमें राजाराम 20 करोड़ की घूस मांग रहे हैं। इस मामले में सौम्या आयुक्त को फंसाना चाहती थी और इस मामले में सौम्या के पति ही फंस चुके हैं। एसीबी ने सौम्या के पति राजाराम और बीवीजी कंपनी के कर्मचारी ओमकार स्प्रे को गिरफ्तार कर लिया है, दो अन्य को नामजद किया गया है। क्या अब भी ये मामला राजनीतिक होगा या फिर राजनेता इस मामले में दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह मामला आपराधिक हो चला है? क्या डील से बढ़ेगी मुश्किल? बात इसी मुद्दे पर, और सवाल यह भी है कि क्या सौम्या को भी इस डील की जानकारी थी? 276 करोड़ रुपए, 276 में जो भी प्लेंटी कटेगी वो तो बिल्कुल मेरी जाएगी। बिल्कुल नहीं है मैनो सर, मान लो वो 5 करोड़ कटे, 10 करोड़ कटे, 15 करोड़, वो जो भी कटेगी। इन सबके बीच में सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि डील करने वाला राजाराम कौन है? ये तो जानते हैं कि सौम्या गुर्जर का पति है, लेकिन निगम में वो कौन है जो 20-20 करोड़ की डील कर सकता है? निगम में उसकी पोजीशन क्या है, या फिर सौम्या सिर्फ एक मोहरा थी? निगम की डील राजाराम कर रहा था, और क्या आयुक्त के साथ विवाद के पीछे की कहानी के तार भी इस डील के साथ जुड़े हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी। ज्योति खंडेलवाल जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा मैम। क्या यह किसी भी तरीके से स्वीकार किया जा सकता है कि अगर 20 करोड़ रुपए राजाराम उस ऑडियो वीडियो के अंदर मांग रहा है तो इसकी बिल्कुल भी जानकारी सौम्या गुर्जर को नहीं होगी? देखिए, अब इस बारे में तो मैं क्या टिप्पणी करूं कि सौम्या गुर्जर जी को जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन मैंने ये बात विजेंद्र जी हमेशा से कही है, जब भी अभी पिछले कुछ समय से इस पर डिबेट और आपके चैनल के माध्यम से भी चर्चाओं में करने का जब मौका मिला है, कि सौम्या गुर्जर जी को अगर लगता था कि कंपनी कुछ भ्रष्टाचार कर रही है, अधिकारियों के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार कर रही है और काम नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में उनको शिकायत ACB को करनी चाहिए। यहाँ तक कि जब चर्चा में यहाँ पे BJP के पार्षद भी आए या उप महापौर भी आए, तब भी मैंने उन्हें उस वक्त भी कहा कि आप आज ही अधिकारी और उस कंपनी के खिलाफ ACB में मामला दर्ज करवाइए, लेकिन उनकी ओर से कभी कोई मामला ACB में दर्ज नहीं करवाया गया। ये बात एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि अगर आपको लगता था कि कहीं करप्शन हो रहा है तो आप हाथापाई और यूं कहें कि बहस की नौबत तक क्यों आ रहे थे? आपको एक कानूनी प्रक्रिया अपनानी थी, वो क्यों नहीं अपनाई जा रही थी, ये बात समझ में नहीं आती। और दूसरी बात विजेंद्र जी, जो मैंने उस दिन भी कही थी कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, यहां पर आप देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि लेने वाला जितना दोषी है देने वाला भी उतना ही दोषी होगा, और ACB ने उसी प्रकार से ही कार्रवाई की है, उन्होंने लेने और देने दोनों को जो है वो गिरफ्तार किया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखते हैं तो नुकसान किसका हुआ? जनता का। आप आपस में लड़ते हैं तो जनता की यहाँ सफाई नहीं होती 3-4 दिन तक। अगर घूस की पेशकश अगर कंपनी लगातार बीवीजी कंपनी कर रही है तो उसका नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? यहाँ से तो बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, कि वक्त पर नालों की सफाई क्यों नहीं होती। सवालों के जवाब ये भी मिलते हैं कि जो नाले कागजों में साफ हो जाते हैं जमीन पर साफ क्यों नहीं होते। सवालों के जवाब उनके भी मिलते हैं कि रास्तों पर गंदगी पड़ी रहती है और कंपनी ये कहती है कि टिपर से गंदगी उठवा दी गई है। सब कागजों में चलता है, तभी तो 20 करोड़ की कोई कंपनी घूस देने को तैयार होती होगी, मेहनत का पैसा थोड़ी ना कोई देगी। आशुतोष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। निगम के अंदर अगर 20-20 करोड़ की घूस के करप्शन का खुलासा होता है तो फिर ये समझ में आता है कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है और क्यों बार बार लापरवाही देखी जाती है। देखिए विजेंद्र जी, ये जो ताजा मामला आया है ये इसने फिर रिपीट किया है कि जो भी अपने नगर निकाय हैं वो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े अड्डे बने हुए हैं, भले ही वो सरकारी पैसा हड़पने का मामला हो या जनता के छोटे छोटे कामों को लेकर के वहाँ पर लोग जाते हैं और उनके काम नहीं होते और लोग कहते हैं कि नगर निगम
या कोई नगर पालिका हो और JDA जैसे जो निकाय हैं, UIT वगैरह, वहाँ पर पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं होता। और काम क्यों होगा जब सफाई का जो मुख्य काम है, सफाई का, लाइट का, जो नगर निगम का मुख्य कार्य है, उसमें 20-20 करोड़ की 20% 15% 10% और वो पार्षद मांगेंगे, समितियों वाले मांगेंगे, इस तरह की बातें खुली चर्चा में सामने आ रही है। और ऐसी स्थिति में सफाई तो दूर की बात हो गई, ज्योति जी ने सही कहा कि सफाई जनता सफर करती है, लेकिन ये पूरा सवालिया निशान इस पे लग रहा है पूरे सिस्टम पर। और मैं तो मानता हूँ कि ये पूरा एक मामला सामने आया है, ऐसे तमाम सैकड़ों मामले होंगे। कोई भी डील नगर निगम में होती है, भले ही कोई ठेके का मामला हो, कोई सफाई का मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो, उसमें परसेंटेज बंधे हुए रहते हैं। जा रहा हूं सर आपसे कि राजाराम ना तो कोई पार्षद है, ना वो मेयर है, ना वो निगम में कोई आयुक्त या कोई अधिकारी है। एक कंपनी राजाराम के साथ 20 करोड़ की डील करती है, उसको 20 करोड़ देने की बात करती है, ये कैसे मान लिया जाए कि ऊपर के अंदर जो जिनको हस्ताक्षर करने हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे? देखिए, यही तो बड़ा सवाल है जो पूरी पॉलिटिकल पार्टियों पे सवाल उठाते हैं। BJP को इस बारे में जवाब देना होगा कि हम गांवों में अनपढ़ सरपंच बन गए, उनके सरपंच पति के बारे में बात सुनते हैं, प्रधान पति के बारे में बात सुनते हैं, लेकिन जयपुर जो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, वहां का मेयर आपने ऐसा बनाया, उसका ऐसा आपने बनाया कि उसके पति उस सारे मामले की डीलिंग कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी के जो लोकतंत्र पे बात होती है कि उस पर आप किसको चुन रहे हैं महापौर के लिए, वो इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व है कि नहीं है, उनके पति भी इस तरह की डीलिंग में शामिल हैं। और अब जो मामला सामने आया है और ACP ने ट्रैक किया है और अरेस्ट कर लिया है, तो अब ये कहने से नहीं होगा कि ये षड्यंत्र है, ये पॉलिटिकल है, ऐसे कहने से नहीं होगा। जब ACP के पास, जांच एजेंसी के पास कोई सबूत है, तब अरेस्ट तक की स्थिति बनी है। और आज आप देखिए कि दोपहर से, आज दोपहर में ये मामला हुआ और शाम होने वाली है, अभी तक BJP की तरफ से कोई रिएक्शन इस मामले में नहीं आया है। जो षड्यंत्र कहते थे, आज उनके पास क्या जवाब है? वो ये कह रहे हो कि राजाराम तो BJP से है ही नहीं, राजाराम तो निगम में कोई पद ही नहीं रखते। हो सकता है जब बयान आए उनके इस तरीके के आते हुए नजर आए। एक जैन साहब देखिए, 20 करोड़ का मामला है सर, कोई 2 लाख 3 लाख 5 लाख का मामला नहीं है। क्या आपको लगता है कि ACB इस पूरे केस के अंदर बड़े बड़ों को नापेगी, चाहे वो BVG कंपनी से जुड़े हों, चाहे वो निगम से जुड़े हों, या फिर बाहर के वो लोग जो दिखाई दे रहे हों? देखिए, इस मामले में धारा 120BB लगाई गई है, जो षड्यंत्र की धारा होती है। निश्चित रूप से जो मेयर पति थे वो तो किसी पत्रावली को डील कर नहीं सकते थे, जो उस BVG के कर्मचारी थे उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 20 करोड़ रुपए देने की बात कर लें। इस और षड्यंत्र के बारे में कानून ये है कि षड्यंत्र पर्दे के पीछे रचा जाता है, इसकी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती है, सरकमस्टांसेस से अंदाजा लगाया जाता है कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। इस मामले में यदि सरकमस्टांशियल एविडेंस की तरफ ध्यान दें तो क्लियर कट मेयर और BVG कंपनी के बड़े पदाधिकारी इसमें प्रथम दृष्टया षड्यंत्र के मामले में इन्वॉल्व पाए जाने की पूरी संभावना है। अगर ACB और जैसे राजस्थान की ACB आजकल ईमानदारी से काम कर रही है, उस तरीके से काम करेंगे तो ये मामला सिर्फ यहाँ कर जो राजस्थान हेड BVG के या मेयर पति तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि मेयर तक भी जाएगा, या मेयर के माध्यम से यदि और कोई लोग पैसे ले रहे थे तो वहां तक भी जाएगा, और साथ साथ ही ये BVG के बड़े अधिकारियों को भी जाएगा। कह रहे हैं कि BVG के बड़े अधिकारियों ने प्रदेश के अधिकारी को अपॉइंट कर दिया कि जाकर डील कर लीजिए, और इधर से मेयर ने अपॉइंट कर दिया कि पति से डील कर लीजिए। निश्चित रूप से षड्यंत्र इसी तरीके से रचा जाता है और ACB इसी तरीके से पकड़ती है। और कॉरपोरेट करप्शन पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में इंट्रोड्यूस किया है, और ये कॉरपोरेट करप्शन का एग्जाम्पल है। इसी में ये चेंज किया गया था कि वास्तव में पैसे का लेन देन होना जरूरी नहीं है। अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी कहता है कि मैं अपना प्रभाव का उपयोग करके ऐसे करवा दूंगा तो वो भी दोषी है। धारा 7 और धारा 13 में अमेंडमेंट किया गया है, इसलिए यहाँ पर मेयर के साथ साथ उनके पति, और 120B में मेयर का तो फंसना लाजमी है, अदरवाइज ये केस आगे चल ही नहीं सकता। जी ठीक है, ज्योति खंडेलवाल जी, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जिसको हस्ताक्षर करने हैं क्या उसको बिल्कुल ये जानकारी नहीं होगी कि 20 करोड़ रुपए कहीं जाने हैं, और वो भी घर में जाने हैं, क्योंकि घर के अंदर का ये आदमी डील कर रहा है, बिना परमिशन के सब कुछ थोड़ी ना होता होगा। और ये कैसे मालूम है कि एक कंपनी जब 20 करोड़ रुपए
सिर्फ घूस का एक आदमी को देने को तैयार है, वो जमीन पर क्या काम कर रही होगी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से विजेंद्र पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो कंपनी केवल 20 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को दे रही है और वो बोलती है मेरे 276 करोड़ रुपए बकाया है, 50% के भुगतान में भी वो आगे काम करने को तैयार है, वो कंपनी निश्चित रूप से जयपुर शहर को की जनता को किस तरीके से तकलीफ दे रही होगी, अब हम सोच सकते हैं और हम सोच नहीं सकते, हम देख रहे हैं। अगर ग्रेटर नगर निगम के हालात देखें तो वहाँ सफाई के हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ पर लगता है, लेकिन इस सब चीज को रोकने के लिए मेयर ने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल ही अलग दिखता है कि एक तरफ तो आप अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके घर में इस तरह की डीलिंग हो रही है। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी विजेंद्र, थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना चाहूंगी। ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी, इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक कहावत है दिया तले अंधेरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हुआ हो कि मेयर को पता चला हो कि घूस के जरिए बिल पास हो रहे हैं, उनको लगा हो कि आयुक्त ये सब कर रहा है, बाद में खुलासा हुआ कि नहीं ये तो उनके पति है। देखिए ये सब बातें तो निश्चित रूप से एसीबी की जांच में सामने आई जाएंगी, उस पर तो मैं अभी क्या टिप्पणी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बीजेपी के अगर हम पूरा कार्य पिछला भी अगर हिस्सा देखते हैं तो मुझे ध्यान है कि मेरे समय पर एक कंपनी थी, उसने ESIPF का पैसा निगम से लिया, लेकिन कर्मचारियों को और PF और ESI डिपार्टमेंट में वो जमा नहीं करवाया और 23 करोड़ का भुगतान तो सिर्फ PF डिपार्टमेंट ने निकाला, लेकिन जैसे ही बीजेपी का बोर्ड और मेयर आए उन्होंने उस कंपनी का भुगतान कर दिया बिना उन कर्मचारियों को राहत दिए। बीवीजी कंपनी को काम दिया बीजेपी ने, बीजेपी के समय पर बीजेपी का बोर्ड बीजेपी की सरकार उस समय इस काम को दिया गया, फिर लगातार उनके भुगतान होते रहे और अब अचानक आप आकर के एकदम बोलते हो कि या तो अधिकारी मिलीभगत करते, तो ये सब कुछ इसीलिए बीजेपी इस पूरे मामले में बैकफुट पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सिर्फ यही मेयर नहीं बल्कि वाकई जैसा भी AK जैन साहब ने कहा एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो निकल करके सामने आएगी, जिस तरह से निंबा राम जी का नाम सामने आ रहा है तो और बड़े नाम जो है वो इसमें निकल करके सामने आएंगे और ACB जिस तरीके से इस समय काम कर रही है मैं तो उन्हें साधुवाद देना चाहूंगी कि आपने खुद ने संज्ञान लिया, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ये बात तो कई बार बार की करप्शन है लेकिन ACB में जाके शिकायत नहीं की जी। तो ACB ने खुद ने इसमें संज्ञान लिया, खुद ने इसमें जांच की और जो दोषी लोग थे वो सामने आ सके। और राजा राम जी का जहां तक हम देखते हैं कोई पहला मामला नहीं है, वो पहले भी इस तरह के मामलों में लगातार लिप्त पाए जाते रहे, तो ऐसे में एकदम उनको क्लीन चिट देना या सौम्या गुर्जर जी को पता ही नहीं होना, इस बात को माना नहीं जा सकता जी। ठीक है आशुतोष जी, देखिए शक तो उसी वक्त हो रहा था जब ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद किसी ने भी FIR दर्ज नहीं कराई, सब ये कहते रहे कि ये डॉक्टरेट है, इस पर टिप्पणी देने से बचते रहे, यहां तक कि बीवीजी कंपनी के भी अधिकारी को उस वक्त एक बयान आया था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, चंदे के नाम पर देने की बात हुई थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब सारे लाइन से नपते हुए नजर आ रहे हैं, शायद वो उस वक्त भी सब जानते थे कि हाँ ये एक बड़ा षड्यंत्र जिसमें वो फंस चुके हैं, लीक हो चुकी हैं चीजें अंदर की और इस वजह से कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं था, सबको लग रहा था कि ना बोले तो क्या पता मामला ठंडा पड़ जाए। नहीं देखिए जिस तरह से वीडियो रिलीज ये सारा वायरल हुआ और ACB ने तत्काल इसमें संज्ञान लेकर के और PE जांच शुरू की, उसी समय ये हो गया था कि ये मामला इसमें कुछ निकलेगा, लेकिन जो बीजेपी की इसमें भूमिका रही वो उसको षड्यंत्र बता करके और इस मामले में पर्दा डालते रहे, लेकिन आज जब ये सब चीज़ें सामने आ गई है मेरा मानना ये है कि ये एक मामला है लेकिन जो भी नगर निगम के मामले हैं उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी अलग से होनी चाहिए। ACB एक मामले को देख रही है लेकिन इसको देखते हुए सरकार को एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जांच इसकी करवानी चाहिए कि इस तरह के मामले, और मैं ज्योति जी से भी पूछना चाहूँगा कि कमीशन खोरी का खेल नगर निगम में नया नहीं है, आप भी समय पर वहाँ पर रहे, आपने ACB में शिकायतें की, अधिकारियों को शिकायतें की, लेकिन समझ में बात ये नहीं आती कि 20-20 करोड़ रुपए या बस 10% 15% 20% के ठेके होते हैं, सफाई व्यवस्था पूरी नहीं होती, तो आखिर ये ओवररेटेड ठेके किस तरह से नगर निगम में हो जाते हैं, कौन इनके पीछे रहता है, क्या इसमें कोई जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं होती, क्या अधिकारी सब कुछ करते हैं और उस समय पर जनप्रतिनिधि लाचार कैसे रहते हैं जी। ज्योति जी सवाल का जवाब दे दीजिए मैम, इसमें मैं एक सवाल और ऐड ऑन कर देता हूं कि जो कंपनी 20 करोड़ का रिश्वत देने को तैयार हो, 250 करोड़ उसको पेमेंट ना हुई हो फिर भी काम करने को तैयार हो, तो फिर ऐसा कौन सा टेंडर होता है जिसमें वो इतना नुकसान झेलकर भी काम करने लगती है, मानू कि उनकी लागत जो आती है उससे कई गुना ज्यादा उनको टेंडर के जरिए दिया जाता है और इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता।
देखिए आशुतोष जी ने जो बात कही कि कमीशन खोरी का काम जो है ये अभी का नहीं है, पहले का, मैं मानती हूँ। देखिए मैंने तो खुद ने एसीबी में बहुत सारे मामले दर्ज करवाए हैं और बहुत सारे मामलों में अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ा है। और एक और बात आशुतोष जी ने कही कि इसमें क्या जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं होती है, वो लाचार कैसे हो जाते हैं। देखिए अगर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अधिकारियों के हाथ में सब कुछ होता है, किसी फाइल का टेंडर देना, कुछ करना, लेकिन जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। जैसा मैं मेरे समय के मेरे अनुभव के आधार पर भी बताऊं कि आप जितनी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जितना टेक्निकल यूज करेंगे, जैसे राउंड टेबल मीटिंग हमने आयोजित की थी जहां पर आमने सामने एक ही टेबल पर सारे अधिकारी बैठ रहे हैं, फाइल अगर क्लियर होनी है तो उसी टेबल पर होनी है, नहीं होनी है तो नहीं होनी है, अगर रिजेक्ट होनी है उसमें कुछ कमी है खामी तो रिजेक्ट होनी है, लेकिन जो हर फाइल पे हर टेबल पे फाइल का जाना और फिर वहां पर किस तरह के खेल होना, कमीशन खोरी होना, ये सब चीजें इनको हमने रोकने का काम किया। जैसे बिल्डिंग प्लान में था तो हमने जो बिल्डर थे या जो घर बनाना चाहते हैं अपना जो पार्टी है और अधिकारियों को आमने सामने बिठाया और टेबल पर सॉल्यूशंस किए। तो जनप्रतिनिधि की ये जरूर जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए, इस तरह की करे कि लोग आमने सामने हो, उनके सामने सब कुछ हो, तो इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि नगर निगम में, मैंने तो खुद ही आपको बताया कि ईएसआई पीएफ का मामला मेरे समय पे सामने आया जहां 23 करोड़ का भुगतान तो केवल पीएफ का बाकी था, लेकिन उसके बाद कंपनी को भुगतान कर दिया गया। अब ये कैसे कर दिया गया, किस अधिकारी के माध्यम से कर दिया गया, क्यों कर दिया गया, टेंडर मूल लागत से कितने गुना ज्यादा के किए जाते हैं कि कंपनी को फर्क पड़ता नहीं, वो इतनी मोटी घूस देने को तैयार हो जाता है, इतनी मोटी लोस को खाने को तैयार हो जाता है। ऐसा कौन सा टेंडर होता है? मैं ये कहना चाहूंगी जयपुर शहर में तो अगर सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये एक यहाँ पर झोल जो है वो नजर आता है कि आपकी फील्ड पर सफाई होती नहीं है। पार्षद जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वार्ड में लोगों के बारे में देखे, फील्ड पर उतरे, जाए, देखे, लेकिन हम जयपुर नगर निगम में अगर आप देख रहे हैं तो फील्ड पर कोई भी नहीं जाना चाहता, ना पार्षद, ना मेयर, ना जनप्रतिनिधि, ना अधिकारी, ना सीएसआई, ना एसआई। अगर ऐसी स्थितियां रहेंगी तो ही कंपनी को इस तरह का माहौल मिलता है कि ठीक है कुछ मत करो, हमारा पेमेंट होता रहेगा। तो ये जो चीजें हैं, इस खामी को सुधारना, तो निश्चित रूप से मॉनिटरिंग होना जनता के प्रति, क्योंकि ये भी जानकारी लगी थी कि जैसे ही मेयर निलंबित हुई, अगली मेयर आई, कार्यवाहक मेयर आई, बिलों को लेकर बात होने लगी, बीवीजी के अधिकारियों से बात होने लगी। सवाल मेरा है कि सर, जब एसीबी के अंदर ये पूरा प्रकरण चल रहा है, 20 करोड़ से ऊपर की घूस का मामला है, क्या ये नहीं होना चाहिए कि बीवीजी कंपनी के अब तक के जितने बिल हैं उन सबको रोक दिया जाए, उनको फ्रीज किया जाए, उनकी ऑडिट की जाए? क्योंकि अगर 20 करोड़ वो दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन बात सही है कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ, जो बिलों के बारे में जो भी हेराफेरी हुई है, उसकी एक सोशल ऑडिट होनी चाहिए कि जो जिस काम के बिल दिए गए वास्तव में वो काम फील्ड पर हुआ या नहीं हुआ। और वैसे भी सोशल ऑडिट का प्रोविजन है कानून के अंदर, पर कहीं भी सोशल ऑडिट कंपनियां नहीं, वो कमिटीज नहीं बनाई गई और न जो काम हो रहे थे उनका कोई सोशल ऑडिट कराया गया। जहां तक बिल रोकने की बात है तो इसमें प्रेजेंटली राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि इनको 50% पेमेंट किया जाए, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, टेंडर उनका ख़त्म नहीं हुआ है। तो 50% जहाँ तक 50% पेमेंट की बात है, वो तो आप कानूनन उनका रोक नहीं सकते जब तक हाईकोर्ट उसको क्लियर नहीं करती। उसके ऊपर का पेमेंट आप रोक सकते हैं, और वो एक्चुअली ऊपर के पेमेंट को क्लियर करने के लिए ही सारी रामायण चल रही थी भ्रष्टाचार की, जो चल रहा था कि जो मामला हाईकोर्ट ने रोक रखा है उसको गायब करने की कोशिश की जा रही थी। और उसमें यह भी आ रहा था कि आपने मेयर को फोन कराया, देखो, और मेयर से मिलने गए और फोन मत कराओ और वकील जाके बात करे, तो मेयर का इन्वॉल्वमेंट तो साफ है। बिना मेयर के इन्वॉल्वमेंट का, अगर मान लीजिए मेयर दस्तखत नहीं करने वाली थी, तो मेयर के पति की क्या हिम्मत थी कि वो सौदा इस बात का करता कि मैं दस्तखत करा दूंगा, आपके बिल निकला दूंगा। तो 120 बी में मेयर तो साफ इन्वॉल्व है। और रही बात बीवीजी कंपनी की, बीवीजी कंपनी की सोशल ऑडिट आज तक नहीं हुई है, जबकि रूल्स में ये क्यों नहीं हुई है, इसके लिए जिम्मेदार मेयर को और जो पहले का बोर्ड है उसको भी जवाब देना चाहिए कि आप बार बार इसकी ऑडिट क्यों नहीं करवा रहे थे, क्यों इनको जो इसका प्रोविजन है, जो रूल्स में प्रोविजन से, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी सोशल ऑडिट की जाएगी, वो नहीं करवाई गई इतने सालों से लेकर, और जो ही भ्रष्टाचार कहां से जड़ा है। अभी तो एक और सवाल राजस्थान की जनता पूछना चाह रही होगी, बताइए सर, अगर इसके अंदर दोषी पाए जाते हैं
तो कितने सालों की सजा होगी, कितने साल के लिए सलाखों के पीछे जाए? देखिए, ये जो जितनी गंभीरता है, जितना मैग्नीट्यूड है, तो निश्चित रूप से 5 साल या 7 साल की सजा, मैक्सिमम 7 साल की सजा का प्रावधान है इसमें, और मैक्सिमम नहीं तो भी 5 साल की सजा से, क्योंकि ग्रेविटी बड़ी जबरदस्त है और कानून भी ये कहता है कि अगर बड़ा आदमी बड़ा अपराध करता है तो सजा का प्रोपोर्शनेट उसी अनुसार से होना चाहिए। अभी तो ये लगता है कि अभी तो लंबे समय तक तो जेल में रहना वैसा ही इनका तय है, क्योंकि आजकल एसीबी के मामले में न्यायपालिका भी बड़ी दृढ़ है और कठोर है, इतनी आसानी से जमानत भी नहीं दे रही। हम देख रहे हैं कितने सारे बड़े अफसर, आरएएस अफसर, आईपीएस अफसर जेल में पड़े हुए हैं, उनकी जमानत के लाले पड़े हुए हैं, इवन रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर, आईपीएस एसपी सब पड़े हुए हैं। तो इसलिए ऐसा, और ये इतना बड़ा 20 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, और वो भी जनता की कॉस्ट पे, उस सारी जिम्मेदारी भुगतना तो जयपुर की जनता को पड़ रहा है, जिनको न सफाई मिल रही है, न समय पर सुविधा मिल रही है, काम कर रही है। आपको लग रहा है कि अगले 1-2 महीने के अंदर पूरी तस्वीर साफ कर देगी? देखिए, 60 दिन के अंदर अंदर तो वैसे भी चालान उनको पेश करना पड़ेगा, तो 60 दिन के अंदर, और वैसे भी एसीबी ने प्रारंभिक जांच की है, अचानक गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने जांच भी कराई, और प्रारंभिक जांच करने के बाद सबूत दर्ज के प्राप्त करने के बाद एफआईआर दर्ज की, तो आधा काम तो एसीबी कर चुकी है, आधा काम बाकी है। बाकी जिन नामों का जिक्र हम कर रहे हैं उनको कब तक जोड़कर गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, अगर एसीबी ढंग से काम करेगी तो मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर उन्हें भी हम देखेंगे, उनके लिए भी इसी तरह डिस्कस कर रहे होंगे बैठ कर। अगर सोमया गुर्जर की सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट मिलती है, क्या उनको भी गिरफ्तारी के साथ सलाखों पे जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। चुनाव लड़ने पर रोक हो सकती है? चुनाव लड़ने पर सिर्फ गिरफ्तारी पर तो उनको रोक नहीं होगी, पर अगर वो जब सजा हो जाएगी या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी तब उन पर रोक लगेगी, पर बिना सौम्या गुर्जर के ये अपराध नहीं हो सकता जी। वो लेवाल है, वो ही अथॉरिटी है, उनके नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे, उनके पति मांग रहे थे, सौम्या गुर्जर कैसे डील कर रही थी इसकी इंफॉर्मेशन उनके पति को थी कि ऑफिशियल में वो क्या कर रही है, तो सौम्या गुर्जर ये कह के नहीं बच सकती कि मुझे नहीं पता मेरे पति ने क्या। आशुतोष, उसके बिना ये केस भी कमजोर हो सकता है? बिल्कुल, अगर सौम्या नहीं है तो केस भी कमजोर हो सकता है। ठीक है आशुतोष जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे यही चाहूंगा, बीजेपी की इसमें आगे इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगी और पूरे तरीके से तटस्थ आपको नजर आएगी? देखिए, बीजेपी इस समय बिल्कुल बैकफुट पर है, बीजेपी को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, और बीजेपी को इस बारे में जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह से क्यों हुआ, और उनके मात्र संगठन के लोग भी, इस तरह के जो राष्ट्रीय संगठन है और उनके लोग भी इस मामले उसमें उनका नाम आ रहा है, तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल समस्या है ये, और बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा किस तरह से उन्होंने ऐसे महापौर बनाए जी। अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और आने वाले समय में बीजेपी को इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा कि ठोक बजाकर अच्छे उम्मीदवार देवें जी, क्योंकि इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है। जयपुर उसका गढ़ माना जाता है, लेकिन ये जो मामला हुआ, आपको याद होगा विजेंद्र जी, जब पिछला बोर्ड था उसमें भी समितियों के अध्यक्ष और उनके टेलीफोन के ऑडियो सब वायरल हुए थे, और समितियों के अध्यक्ष को इसी भ्रष्टाचार, यही सफाई समितियों को लेकर के उनको हटाना पड़ा था, और आज फिर ये स्थिति बन गई। बीजेपी ने उससे सबक नहीं लिया, और अब भी सबक यदि नहीं लेंगी तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है। ज्योति खंडेलवाल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे और चाहूंगा कि थोड़ा अलग तरीके से कमेंट कीजिए। सवाल यह, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेयर की कुर्सी जहां लगी है वहां वास्तु दोष है, या तो कोई उस पर टिक नहीं पाता है और जो टिकता है वो ऐसे ही भ्रष्टाचार के साथ लड़ता रहता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी कि वास्तु दोष जैसी कोई बात है। यहाँ तो सीधे तौर पर जो है वो जो घटनाएं जो हुई हैं वो वास्तविक तौर पर दिखाई दे रही हैं, और मैंने एक बात पहले भी कही कि ऐसा नहीं है कि नगर निगम में ईमानदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं है, हैं, तभी काम हो रहे हैं, तभी शहर थोड़ा साफ दिखता है, नहीं तो अदरवाइज बहुत हालात बेकार होते। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कि आटे में नमक मिलाते हैं तो भूल जाता है, बहुत ज्यादा नमक में आटा मिलाने की कोशिश करते हैं तब फंसते हैं। मैम, काम करेंगे तभी तो जेब में पैसा जाएगा ना, आप काम करेंगे ही नहीं, टेंडर करेंगे ही नहीं तो जेब में पैसा भी कहां से जाएगा, वो तो मजबूरी है। मैम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एके जैन साहब आपका भी शुक्रिया, और आशुतोष जी आपका भी शुक्रिया। अब कितने और नाम इस एफआईआर के अंदर जुड़ते हैं, कितने और गिरफ्तार किए जाते हैं, कितने और सलाखों के पीछे पहुंचाए जाते हैं, ये जिम्मेदारी एसीबी की है। नमस्कार। 276 करोड़ में जो भी प्लेंटी कटेगी वो तो देखो मेरी जाएगी। बिल्कुल नहीं है बनो सर, मान लो वो 5 करोड़ कटे, 10 करोड़ कटे, 15 करोड़ वो जो भी कटेगी।